अंकल वहाँ के अधिकारी मौजूद हैं सर, सबसे पहले अपना नाम और अपनी पोस्ट बता दीजिए। रविंदर सिंह, स्टेशन ऑफिसर, रानी झांसी रोड से हूँ मैं। ये ऑपरेशन कितने बजे आप लोगों ने शुरू किया, क्या कॉल क्या मिली थी? रात को 1 बजे कॉल मिली थी कि ये बोरवेल में कोई गिर गया है। ठीक है, बताया नहीं जा सकता ये कितनी एज है अभी, तो बाकी तो एनडीआरएफ वाले डिटेल देंगे आपको। कितना बड़ा, कितनी बोरवेल है, इसकी हाइट चौड़ाई एक बार बता दीजिए। 12 इंच चौड़ाई पाइप है और इसकी 35 से 40 फुट की गहराई में ये शख्स फंसा हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि ये कितनी एज है, बाकी एनडीआरएफ वाले आपको पूरी जानकारी दे देंगे, दिल्ली पुलिस वाले। पहले आपको पता लगा था कि कोई बच्चा गिरा है? बच्चा है या बड़ा शख्स है, कितनी उम्र होगी जो गिरा है? नहीं, कहा नहीं जा सकता। फिर भी अभी शुरुआती जांच में कोई छोटा बच्चा है या बड़ी उम्र वाले, दिल्ली पुलिस वाले आपको बताएंगे। ठीक है सर, 15-16 साल का कोई हो सकता है? हो सकता है, हाँ सर। 15-16 साल का कोई शख्स क्या इसमें गिर सकता है? अपने आप नहीं गिर सकता। तो क्या कोई साजिश हो सकती है, किसी ने गिराया सकता है? सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए, ये रविंदर जी हैं और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हैं। इनका ये कहना है कि शुरुआत में ये कॉल मिली थी कि कोई छोटा बच्चा जो है वो गिरा है, लेकिन उसके बाद जब ये लोग जांच के लिए यहाँ पर पहुंचे तो इनका कहना है कि फिलहाल ये जानकारी मिली है कि कोई 15 से 16 साल का शख्स, यानी कि बड़ा शख्स इस बोरवेल के अंदर गिरा है, जिसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 12 से 13 इंच की चौड़ाई है और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 फुट ये बोरवेल है। और दमकल के अधिकारियों का ये कहना है कि कोई इतना बड़ा शख्स अपने आप इस बोरवेल में नहीं गिर सकता।